नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि अब जो है जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक को लेकर जो है एक सहमति बनी है और वो 1 जून को जो है सर्वदलीय बैठक होनी है बिहार में। ऐसे में आइए हम समझते हैं इस जातीय जनगणना से कितने फायदे होने हैं, कितने नुकसान हैं और इसको लेकर इससे पहले जो है किस किस तरह की गतिविधियाँ रही है बिहार में और देश में, और बड़े जो नेता रहे हैं देश के आज़ादी के समय के जो नेता रहे हैं उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया रही है, इस पूरे वीडियो में हम आज समझने की कोशिश करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर बिहार समेत देश में सियासत तेज है। देश में जातीय जनगणना को लेकर भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, तो वहीं बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग उठी है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से 1 जून को जातीय जनगणना को लेकर सहमति तो बन गई है, लेकिन अभी देखना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों का रुख क्या होता है, क्योंकि इसका विरोध कर कोई भी अपना वोट बैंक कम नहीं करना चाहता। देश का एक बड़ा तबका चाहता है कि देश में जातीय जनगणना हो, जबकि एक दूसरा तबका है जो कि यह इसका विरोध कर रहा है। आप अगर इस जातिगत जनगणना को देखें तो इसमें देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही है, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां चाहती है कि जातीय जनगणना हो ताकि उनका फायदा हो सके। बता दें कि भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है और यह आर्थिक जनगणना के रूप में जाना जाता है। इससे भारत को विकास योजनाओं तैयार करने में मदद मिलती है। इस दौरान यह तय होता है कि किस तबके को किस तरह का लाभ मुहैया करवाना है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आखिर व्यक्ति तक, यानी कि आखिरी व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ सही तरीके से कैसे पहुँचाया जा सके। हालाँकि इस आर्थिक जनगणना के दौरान ही कई नेताओं का यह मांग रहा है कि इस जनगणना के दौरान ही जाति भी लोगों से पूछ ली जाए, जिससे कि जाति के साथ साथ आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाए। अगर हम इससे सीधे शब्द में कहें तो जाति के आधार पर होने वाले जनगणना को ही जाति आधारित जनगणना या फिर जातीय जनगणना कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले साल 1931 में हुई थी। तब देश में अंग्रेजों का राज था। आज़ाद भारत में देश में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुआ। बता दें कि देश में राजनेताओं की तरफ से कई बार जातीय जनगणना को लेकर मांग उठती रही। साल 1941 में एक बार और जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद साल 2011 में भी जातीय आधार पर जनगणना कराई गई थी। इसमें कांग्रेस की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह जैसे, शरद यादव जैसे जो नेता हैं, इन्होंने जो है जातीय जनगणना की मांग की थी और जातीय जनगणना हुई थी 2011 में, लेकिन इस समय भी जो है इसकी रिपोर्ट कुछ तकनीकी कारणों से प्रकाशित नहीं किया जा सका था। 1951 में देश के गृह मंत्री रहे सरदार पटेल ने यह कहकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना कराए जाने से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। हालांकि अब जातीय जनगणना को लेकर दोनों तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां इसका लाभ बताया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसके नुकसान की भी बात कही जा रही है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं जातीय जनगणना से लाभ की क्या स्थिति हो सकती है। जातीय जनगणना के कई फायदे राजनेताओं की तरफ से गिनाए जा रहे हैं। राजनेता इसके समर्थन में कई तर्क रख रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि जातीय जनगणना से हमें यह पता चल पाएगा कि देश में कौन कौन सी जाति अभी भी पिछड़ेपन की शिकार है। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि खासकर पिछड़े जातियों में आरक्षण का लाभ पाने वाली जातियों में इसका प्रभाव कितना रहा है। इसके साथ साथ यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जातीय जनगणना से किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा, जिससे कि उस जाति विशेष के लिए विकास की योजनाएं बनाया जा सके और उसको जो है जीवन को और सरल किया जा सके और इन्हें जो है कई तरह की सुविधाएं मिलने की बात जो है वो कही जा रही है। अब हम जान लेते हैं जातीय जनगणना के नुकसान के बारे में। जातीय जनगणना के जहां फायदे हैं तो वहीं इसके नुकसान भी हैं। जो राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही है उनका कहना है कि यदि किसी समाज को पता चलेगा कि देश में उनकी संख्या घट रही है तो उस समाज के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन अपनाना छोड़ सकते हैं। इससे देश की आज़ादी में तेज़ी से इजाफा एक तेज़ी से इजाफा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा जातीय जनगणना से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का भी खतरा हो सकता है। साल 1951 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यही बात कहकर जातीय जनगणना के प्रस्ताव को ठुकराया था, या हम कह रहे हैं कि खारिज कर दिया था।
अब अगर हम देश के वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखें तो देश के साथ साथ बिहार में राजनीतिक दल दो हिस्सों में बटे हैं। साल 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, उस समय बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद भवन में जाति आधारित जनगणना की मांग की थी। लेकिन अब इतने दिनों के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई है तो वह जातीय जनगणना को लेकर पीछे हट रही है। बीजेपी और कांग्रेस के पीछे हटने के कई कारण हैं। कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना करवाने से हिंदू समाज जातियों में बढ़ जाएगा, जिसका फायदा सीधे तौर पर क्षेत्रीय राजनीति करने वाले पार्टियों को मिलने वाला है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियाँ इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रही है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार में जिस तरह से समीकरण बने हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की सहमति किस तरह से बनती है और बिहार में जातीय जनगणना हो पाता है या नहीं, ये तो 1 जून की होने वाली सर्वदलीय बैठक के बाद पता चल जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।